EWS सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है, जो आर्थिक आधार पे वीकर सेक्शन है, कमज़ोर सेक्शन है सामान्य वर्ग में, उसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है 10%, उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है वीडियो में कि इसको कैसे बना सकते हैं, क्या इसमें प्रमाण पत्र आवश्यक हैं, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसकी इनकम का सीमा है, इन सब बातों में इसका इस वीडियो में चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं क्या है EWS सर्टिफिकेट और इसको कैसे बनवाएं। EWS सर्टिफिकेट हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है। सामान्य वर्ग के नागरिकों की काफ़ी समय से चली आ रही आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की मांग को केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। अब देश में SC, ST और OBC के नागरिकों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिक भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य वर्ग के नागरिकों को अब आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करने वाले सामान्य वर्ग के नागरिक ही इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य वर्ग के नागरिकों को केवल इस आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वह सामान्य वर्ग का नागरिक है, उन्हें 10% आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को यह साबित करना होगा कि वे वास्तव में आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से वीकर सेक्शन से संबंधित हैं, कमज़ोर हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने सामान्य वर्ग के सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों की पात्रता जांचने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए EWS सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की गई है। EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से सभी पात्र नागरिक आरक्षण व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट क्या है, EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि EWS सर्टिफिकेट है क्या चीज़। EWS सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अर्थात वे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित हैं। EWS सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट की तरह ही है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सरकार द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी करने का मुख्य उद्देश्य हाल ही में मोदी सरकार द्वारा सामान्य जाति के कमज़ोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिलाना है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सी नौकरियां निकाली जाती रहती हैं, जिसमें SC, ST और OBC को एक प्रारूप में एक निश्चित कोटा निर्धारित किया गया है। अब सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी 10% कोटा निर्धारित रहेगा और सामान्य वर्ग के नागरिकों को आर्थिक आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के ऐसे नागरिक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही आरक्षण व्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना होगा। EWS सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, EWS सर्टिफिकेट केवल ऐसे नागरिक ही बना सकते हैं जो पहले से ही SC, ST और OBC आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। मुख्य रूप से ऐसी श्रेणी में केवल सामान्य वर्ग के नागरिक ही आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। EWS सर्टिफिकेट अर्थात 10% रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाने में कितनी इनकम की आवश्यकता है, बनाने के लिए आय कितनी होनी चाहिए, तो ये है पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख में परिवार के सभी कामगार सदस्यों की वार्षिक आय जोड़ी जाएगी। उसके साथ ही परिवार के सभी आय के स्रोत जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, मकान से प्राप्त किराया आदि सभी को इसमें जोड़ा जाएगा। परिवार के किस सदस्य की आय को जोड़ा जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और सभी ऐसे परिवार के नागरिकों को आरक्षण व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत से नागरिकों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर परिवार के कौन कौन से सदस्यों की आय को जोड़ा जाएगा। 8 लाख की वार्षिक आय में निम्न व्यक्ति की आय को जोड़ा जाएगा। यदि आप खुद कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी खुद की आय, आपके पेरेंट्स की आय, आपके माता पिता की आय, आपके भाई बहन की आय जो अभी तक अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, पति और पत्नी की आय और आपके बच्चों की आय यदि वो अविवाहित हैं तो। कौन व्यक्ति EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, तो ये मुख्य सवाल है
कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि ऐसे कौन से नागरिक हैं जो EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, तो निम्न व्यक्ति ऐसे हैं जिनको EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ही नहीं करना चाहिए या आवेदन नहीं कर सकते। वे नागरिक जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो। पहली शर्त तो यही है कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए और जिनका मकान 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं बना हुआ, तो वे व्यक्ति इसको नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज भी हैं, जिनमें 5 जो दस्तावेज हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए अर्थात 8 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड निश्चित रूप से आपके पास होना चाहिए, BPL राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके जो अकाउंट है उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और खुद का घोषणा पत्र होना चाहिए अर्थात मैंने जो भी शर्तें इस EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक हैं उन शर्तों का प्रमाणीकरण स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा आपको करना होगा। EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए अभी सिर्फ ऑफलाइन ही EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने तहसील में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर से, तहसीलदार से, उप विभागीय अधिकारी से, वैसे तो जहां उम्मीदवार या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है वहां के उप विभागीय अधिकारी से बनवाया जा सकता है। EWS सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड भी किए जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया जा चुका है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इसका एक प्रमाण पत्र है जो एनेक्जर फर्स्ट के नाम से भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें आपकी जो शर्तें, इसके 4 शर्तें हैं वो भी दे रखी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।